हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग विद डॉक्टर डीजीपी। फ्रेंड्स, होप आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो जब भी मार्केट कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है और आगे की डायरेक्शन जब हमें पता नहीं चलती है, तो हमने हमेशा पूरा इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने तक रुकना चाहिए। मतलब इनिशियल बैलेंस क्या होता है, तो फर्स्ट आवर का हाई एंड लो जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसको हमें देखना पड़ता है। और आपको इनिशियल बैलेंस डिटेल में पढ़ना है या सीखना है तो लर्निंग विद डॉक्टर डीजीबी की यूट्यूब पे हमारी एक अलग से सीरीज़ है, वहाँ पे इनिशियल बैलेंस क्या होता है ये वहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अच्छा खासा इनिशियल बैलेंस फॉर्मेशन हुआ और फिर जाके बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में यहाँ पे 11:50 पे एक इनिशियल एक जो है डोमिनेटिंग कैंडल ने हमारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया और उसी के बाद में इनिशियल बैलेंस के ऊपर भी क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में जो है वो 38820 के ऊपर हमें बाय की एंट्री मिली और वहाँ से बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 39315 का हाई लगाया, जो ऑलमोस्ट 490 पॉइंट्स का हाई था। इसमें से अगर हम आप लोगों ने 200-300 भी पॉइंट कैप्चर किए होंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कल जो है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या थोड़ी सी लोअर साइड में भी ओपन होती है तो हम लोग 39,000 के आसपास बैंक निफ्टी को बाय करके ही चलेंगे। इमीडिएट टारगेट हमारा जो रहेगा ऊपर की साइड में 39,315 और 39,600, यहाँ पे हमें अगेन सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अब जब तक बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 38,800 के नीचे नहीं जाती है, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में कोई सेल का ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। हमारा सेल जो है वो इनिशिएट होगा 38,800 के नीचे ही। मतलब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमारा 38,800 के नीचे हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फिर इमीडिएट टारगेट क्या बनेगा, 38,800 के नीचे हमें 38,510 का फर्स्ट टारगेट है और फिर नीचे हमें यहाँ पे 38,200 के आसपास हमें अगेन सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। मेजर सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में नीचे है वो है 37,400 के आसपास, बट अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जो है वो अगेन पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर चुकी है, काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो कल फ्लैट ओपन होती है तो भी हम लोग बाय करेंगे या फिर गैप अप ओपन होके 39,315 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हम लोग ऊपर के साइड में 300 पॉइंट्स यानी 39,600 के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि निफ्टी में हमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। नेक्स्ट जो है निफ्टी, तो निफ्टी में भी हमें इनिशियल बैलेंस के पहले ही यहाँ पे एक स्विंग हाई के ब्रेकअप पे यहाँ पे एक डोमिनेटिंग कैंडल ने हमारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया और यहाँ पे हमें 17,130 के ऊपर बाय अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे निफ्टी ने जो है वो 17,280 यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम किया। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके 17,280 के ऊपर अगर चलता है तो हम लोग इमीडिएट वहाँ पे बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 17,340 एंड नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 17,422 और हमें यहाँ पे अगेन 17,400 के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अगर निफ्टी जो है कल फ्लैट ओपन होके नीचे आता है और अगर 17,200 के नीचे अगर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 17,130 एंड सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो 17,060
ये दो टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा। जब भी 17,060 के नीचे, हमें नीचे की साइड में 16,750 के आसपास भी हमें निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलता है और 17,280 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग बाय करेंगे। इमीडिएट टारगेट 17,340 देन 17,400, जहाँ पे हमें अगेन सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर नीचे आता है तो 17,200 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,130, सेकेंड टारगेट रहेगा 17,060। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।